व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयार हो गए हैं। शिवराज ने कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में अर्जी देंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत और विपक्ष के भारी दबाव के आगे आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को झुकना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए, प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज व्यापम घोटाले और इससे जुड़ी मौतों की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। कल यानी 8 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। सरकार ने अपने आवेदन पत्र में माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया है कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार का एक एडवर्स पब्लिक परसेप्शन बनाने का प्रयास हुआ है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन केसेस को सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे देने चाहिए। व्यापम घोटाले से जुड़े 48 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सवाल ये उठा कि आखिर सीबीआई जांच के लिए मन बनाने में इतना वक्त क्यों लग गया। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने ये सद्बुद्धि शिवराज सिंह जी को दी है। काश ये सद्बुद्धि अगर पहले ही दे दी जाती तो अब तक तो अपराधियों के जो हौसले थे वे पस्त हो गए होते। तो इतना सा वक्त क्यों लगा? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए कि आज नहीं लिखते? स्थितियों पर ही निर्णय लिया जाता है। उनको लगा कि जनता की आवाज अब ये बन रही है, इसलिए इस समय ये फैसला लेना जरूरी है, ले लिया। अब इसमें कोई गलत किया क्या उन्होंने? उधर कांग्रेस ने साफ कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं भारत सरकार की गृह मंत्रालय में भी लिखना चाहिए चिट्ठी सीबीआई इंक्वायरी की मांग के बारे में, जो आज तक जिसकी घोषणा नहीं की गई। तो हम मानते हैं कि ये आंख में धूल झोंकने की एक कोशिश है। इस बीच व्यापम मामले में पीएमओ भी हरकत में आया है। सूत्रों से खबर है कि पीएमओ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहा है कि इस मामले में हुई मौतों पर रिपोर्ट तैयार करें। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ प्रकाश पांडे, दिल्ली इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि शिवराज कांग्रेस के हमलों से उतने परेशान नहीं थे, लेकिन जब उमा भारती ने इशारों में सीबीआई जांच की मांग कर डाली तो वो धर्म संकट में फंस गए। ऊपर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी उनसे पूरे मामले पर सफाई ले ली। इससे शिवराज सिंह चौहान को लगा कि अब पार्टी के भीतर भी उनकी ताकत कमजोर हो सकती है, ऐसे में वो जनता का हवाला देकर झुक गए।